और यहाँ पर जो आप गंगा जी देख रहे हो ये ही मेन गंगा जी है। और यहाँ का जो जल आप बिल्कुल देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल नीले रंग का हरे रंग का जो पानी है वो चल रहा है, सबसे स्वच्छ जल यहाँ पर जो है। तो सीरत बाबू आपको यहाँ पे अब योगा करके दिखाएगा, इसको योगा आता है। तो सीरत योगा शुरू करो। तो यहाँ पर देखिए योगा करती हुई सीरत, और कैसा लगता है बेटे? अच्छा। योगा करना अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है? हाँ अच्छा लगता है, ऐसे है ना, हेल्दी रहते हैं। कृष्ण के पास में गाय भी आ चुकी है अपने आप, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा शगुन है ये तो। अपने आप गाय आ गई है गोपियों के पास में, श्री कृष्ण के पास में। तो यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छी बात यही है कि गाय देखिए श्री कृष्ण जी को देख के अपने आप आ गई है यहाँ पे। बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं और श्री कृष्ण जी यहाँ पे जो है वो पैटीज का मजा ले रहे हैं यहाँ पे और गाय अपने आप आ गई है। इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कपल्स लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आए हुए हैं और सब लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक हिडन पॉइंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आरजे सीरत व्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हरिद्वार के अंदर एक ऐसी हिडन जगह है वहां पर लेके जाने वाला हूं। तो उस जगह को कहते हैं लव पॉइंट। तो इस लव पॉइंट के ऊपर बहुत सारे जो कपल्स हैं वो कपल्स आते हैं। तो इस लव पॉइंट पर जो है वो सामने से जो पहाड़ों का व्यू देखने का जो आनंद है, और गंगा जी का जो व्यू है, नीलधारा गंगा जी का जो व्यू है वो देखने का बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ लव पॉइंट पे, और जहाँ के सुंदर सुंदर व्यूज़ आप लोगों को आज मैं दिखाता हूँ। तो इस लव पॉइंट पे जो पहुँचने का जो रास्ता है वो मैं रास्ता आपको बताने वाला हूँ। इस लव पॉइंट के ऊपर आप जो है वो जो ओम का जो पुल बना हुआ है, उस ओम पुल के बिल्कुल सामने वाला जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पर जो है वो आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं लव पॉइंट पे। चलो भागो। बैठने के लिए यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं, बेंच बनाए गए हैं, और सामने आपको जो है वो इसका मुख्य जो गेट है वो नज़र आ रहा है। तो वैसे तो इसको जो है वो लव पॉइंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक नाम और भी है, तो वो सामने जो है वो आपको मालूम चलेगा कि इनका जो है वो मुख्य नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ले कर चलता हूँ और आपको बिल्कुल पूरा का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा जी यहाँ से बह रही हैं, जो नीलधारा गंगा जी है वो मेन मुख्य जो गंगा जी है वो यही है। हर की पौड़ी वाली साइड में तो जो है वो स्नान करने के लिए यात्रियों के लिए जो है वो पानी जो है वो वहाँ से निकाला गया है, और मुख्य जो नीलधारा गंगा है वो यही है। और आप यहाँ पे जो है वो व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ का जो मुख्य द्वार है, वैसे तो ये एक ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बनाई गई है, और इस जगह पर बहुत सारे कपल्स भी घूमने के लिए आते हैं। तो इसका जो नाम है गुरुमुख ध्यान कुंज, जो कि ओम सतनाम साक्षी एक संस्था है उसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। और यहाँ का जो बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस हिडन पॉइंट के बारे में किसी को भी पता नहीं है, और इस हिडन पॉइंट पर आप जो है वो घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे सीरत जो है वो भागती हुई जा रही है, और यहाँ पे हम इसके मुख्य गेट के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ये जो गेट है ये पहले बना नहीं था, ये गेट जो है वो अभी बना है, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। तो यहाँ से जो सीरत है वो भागती हुई आ रही है। Oh,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो शूटिंग के लिए बहुत सारे जो है लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शूटिंग के लिए कुछ जो कलाकार है वो आए हुए हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के पास में गाय भी आ चुकी है अपने आप, तो बहुत बड़ा शगुन है ये, तो अपने आप गाय आ गई है गोपियों के पास में, श्री कृष्ण के पास में। तो यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छी बात यही है कि गाय देखिए श्री कृष्ण जी को देख के अपने आप आ गई है। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं और श्री कृष्ण जी यहाँ पे जो है वो पैटीज का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे और गाय अपने आप आ गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाय को भी जो है वो कुछ देना चाहिए और खिला दिया। ओ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो शूटिंग के लिए आए हुए यहाँ पे, तो गाय जरूरी है श्री कृष्ण के साथ में। तो ऐसे खड़े हो जाओ, आओ। तो श्री कृष्ण भगवान पूरा जो है वो पैटीज का मजा ले रहे हैं यहाँ पे। मक्खन होना चाहिए मक्खन तो है नहीं आज के, लेकिन इस जमाने में तो पैटीज ही खा रहे हैं भाई। तो सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि गाय अपने आप आई है। देखो श्री कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है कि इनको देखते हुए जो है वो गाय अपने आप आ गई है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं ये एक दृश्य है जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि गाय जो है वो सबसे प्रिय है श्री कृष्ण भगवान को, और गाय को भी श्री कृष्ण भगवान जो है वो प्रिय है। तो अपने आप जो गाय जो है वो आ गई है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पे जो पहुँच चुके हैं लव पॉइंट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ का दृश्य आपको नज़र आ रहा है। सामने जो है वो नीलधारा गंगा जी जो है वो बह रही है, और जो टोटली जो जल है गंगा जी का वो इस नीलधारा के अंदर छोड़ दिया गया है, और उधर हर की पौड़ी वाली साइड के अंदर जो है वो वहाँ पर जल जो है वो सफाई के लिए उधर का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आप गंगा जी देख रहे हो ये ही मेन गंगा जी है, और यहाँ का जो जल आप बिल्कुल देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल नीले रंग का हरे रंग का जो पानी है वो चल रहा है, सबसे स्वच्छ जल यहाँ पर जो है। और वो सामने आप देख रहे हो तो वो वाला जो पुल है वो पुल जो है वो यहाँ पर जो है वो इस गंगा जी के ऊपर सबसे बड़ा जो पुल है वो पुल आपको नज़र आ रहा होगा, लगभग 2 किलोमीटर का जो है वो लंबा पुल है ये। और सामने आपको जो है यहाँ पर इस पॉइंट से माँ चंडी देवी जी का जो मंदिर है वो आपको सामने से यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से जो है वो व्यूज़ नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कपल्स लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आए हुए हैं और सब लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक हिडन पॉइंट है। और यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो गंगा जी का जो जल है वो बहुत ही जो है वो एकदम स्वच्छ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और जब बरसात का टाइम होता है तो ये जो आप नीचे की जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो यहाँ तक पानी आ जाता है इसका, इस वाली जगह तक। तो यहाँ पर एक जो है वो सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। और उधर से देखिए ये कितना अच्छे, तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मेन जो नील धारा जिसको कहते हैं, तो ये नील धारा गंगा जी है। तो यहाँ पे पीछे देखिए कितना सुंदर व्यूज़ है, सामने की ओर एक वन टाइप का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। तो पीछे जो है वो पहाड़ियाँ जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एक हिडन पॉइंट है, इस हिडन पॉइंट में बहुत ही मस्त आनंद आता है, बिल्कुल शांत वातावरण है और सिर्फ जल की जो आवाज़ है वो आती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो शांत वातावरण है। और इस जगह को जो है वो एक लव पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार इस जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ पहले भी, और अब तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इस समय में इस जगह पर घूमने का बहुत ही जो है अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पीछे जो है वो गंगा जी यहाँ पर जो है वो गंगा जल बह रहा है, और मेन नदी जो है जिसको नीलधारा गंगा के नाम से जानते हैं वो यहीं पर है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ का जो जल है वो बह रहा है। और यहाँ पर जो है वो देखिए इतना सुंदर जो है वो नज़ारा है, यहाँ पर नीला रंग का जो जल है वो आपको यहाँ पे बहता हुआ नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे इधर जो है वो सुंदर सुंदर पहाड़ियों का व्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और दूर दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पर। जो सामने की ओर आप यहाँ पे देख रहे हो तो माँ चंडी देवी का मंदिर है सामने, और ये आपको जो है पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और इधर जो है वो एक छोटा सा वन बना हुआ है, छोटा सा टापू टाइप का यहाँ पे बना हुआ है,
तो यहाँ पे एक हिडन पैलेस है, बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं। तो आपको आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो जल है वो किस प्रकार से आपको नज़र आएगा और कितना सुंदर और कितना स्वच्छ जल है यहाँ पे। और यहाँ का जो पानी है, अगर आप इस पानी को पियोगे तो आपको आनंद अलग ही आने वाला है। तो यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही सुंदर पानी है, और यहाँ पर जो है वो लोग अलग अलग जगह से, दूर दूर जगह से जो है वो लोग पहुँचते हैं, और लोग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो है वो अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आपको ये पॉइंट दिखाऊँगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, और पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक इसे पहाड़ की तरह छोटा सा एक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर हमारा जो सीरत है वो बिल्कुल मस्ती कर रहा है, आपको दिखाता हूँ कि सीरत कैसे रेत में खेल रही है। तो इसने रेत काफ़ी दिनों बाद देखी है यहाँ पे। तो देखो, शहरों में तो पक्के मकान होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो रेत होती है। तो लड्डू क्या बना रहे हो, हैं क्या बना रहे हो? लव यू बना रहे हो? किसका लव यू है ये? और किसका है? हाँ, किस किस का नाम बताओ? ये लव यू किसका बनाया आपने? मम्मा का। अच्छा, मम्मा का और पापा का, दोनों का बना दिया। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा लग रहा है। मिट्टी में खेलने को कई दिनों से मिला है ना? वेरी गुड। तो लड्डू कैसे लग रहा है? अच्छा। मजा आ रहा है ना खूब सारा? चलो, क्या क्या बोलोगे अपने दोस्तों को? दोस्तों को क्या बोलोगे? ऐसे नहीं करना, दोस्तों को क्या बोलोगे? दोस्त इधर इधर मुँह करके दोस्तों को क्या बोलोगे दिखाओ? और और अच्छा, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है रेत, जो बीच के अंदर रेत होती है, वो रेत भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। सीरत यहाँ पे जो है वो मस्ती कर रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे नज़दीक लेके चलता हूँ कि यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है, आपको दिखा सुंदर व्यूज़ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो छोटी छोटी गायें जो है वो नज़र आ रही हैं। अपना गगनू तो ये रहा, तो गगनू तो अपने काऊ का गगनू तो घर पे था, यहाँ पे कैसे आ गया? गगनू गगनू, अरे अपने काऊ का गगनू तो ये रहा, है ना? नन्ना छा है, छोटा छा है। आजा गगनू, आजा गगनू, देखो कितना अच्छा गगनू है ना? अपनी काऊ का गगनू है ना ये। फ्रेंड कर दो, हेलो कर दो गगनू को। हेलो गगनू। लो, डर क्यों लगता है? देखो अच्छा सा है ये, नन्ना सा तो है ये, इसकी मम्मा है। ये क्या, ये कौन है इधर? ये काऊ इसकी मम्मा है ना? देखो काऊ भी आ गई अपने पास में, है ना? काऊ भी आ रही है, ये गगनू है। देखो मेरे को तो कुछ कह ही नहीं रही, देखो कुछ नहीं कह रही, देखो काऊ कुछ नहीं कह रही। अरे ये गगनू, अपना गगनू यहाँ कैसे आ गया भाई? देख कुछ नहीं कहता, कह कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे दोस्तों एक गाय है, और बहुत ही सरल स्वभाव की गाय लग रही है ये, बहुत ही अच्छा इसका नन्ना सा बच्चा है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है वो व्यू नज़र आ रहा है। तो सीरत बाबू जो है वो हमारे घर पे भी एक काऊ है, तो उसका जो बच्चा है उसका नाम गगनू रखा है, तो हमें गगनू की तरह नज़र आ रहा है ये। जाओ इसको, इसके सिर पे हाथ फेर के आओ, जाओ। पापा तुम मेरे साथ? हाँ, तो मैं साथ चल रहा हूँ। हाँ, साथ सिर पे हाथ रख दो, अच्छा लगता है। देखो ये लाडी करता है, ये ना बच्चों के और लाडी करता है। इसकी इसकी मम्मा है, इसके साथ खेलता है ये। पापा तेरे तो मेरे पास नहीं आना, बहुत ही गंदा है। नहीं गंदा है, गंदा नहीं है ये, मेरे पास नहीं आना। पापा पास आएगा ना? आओ लो लो पकड़ो, आजा आजा, वो इसकी मम्मा के साथ खेल रहा है ये, छोटा सा है ना। तो यहाँ का जो जल है वो बहुत ही साफ नज़र आएगा आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर जो है वो नज़ारा आपको नज़र आएगा, और सुंदर सा जल यहाँ पे बह रहा है, बहुत ही सुंदर जल है पानी जो है वो। आप देखोगे कि तो आपको आनंद आएगा। सामने जो है वो पहाड़ी पे माता मनसा देवी का मंदिर है, और इधर वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हो यहाँ पर माता चंडी देवी का मंदिर है। तो दोनों ही मंदिर इस पॉइंट से नज़र आते हैं। ये माता चंडी देवी का मंदिर है, और अगर आप यहाँ से इधर से आप जाओगे तो वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर माता मनसा देवी जी का मंदिर है। तो दोनों ही मंदिर यहाँ से जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, इस व्यू को मानना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। और इस पॉइंट पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं,
बहुत ही सुंदर पॉइंट नजर आ रहा है आपको। आओ गगनू, आओ गगनू, गगनू आओ, गगनू आओ। गंदा बच्चा है। कौन गंदा बच्चा है? आ जाओ। गगनू को बुला तो तभी आएगा। आ जाओ, मैं बात नहीं कर रही हूं। आओ, कुछ नहीं कहेगा। गगनू आओ, इसको बोलो गगनू आओ। चिज्जी तो लाया नहीं तू गगनू के लिए। गगनू के लिए चिज्जी तो लाया नहीं। चिज्जी लाया था? मम्मा को बोलो, मम्मा चिज्जी लाए थे आप इसके लिए? ऑरेंज है, ऑरेंज दे दो गगनू को। ऑरेंज दो गगनू को, ऑरेंज अपने आप खिला देना, ठीक है? चलो रुको गगनू, आपके लिए ऑरेंज आ रहा है। तो एक गाय का बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो देखिए कितना घुल मिल गया हमारे साथ में। और सीरत ने जो है वो यहाँ पे, सीरत इसको जो है वो ऑरेंज देगी। दे दो एक हाथ में, आगे आओ, तुम्हारी फ़ोटो आनी चाहिए ना गगनू के साथ में। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कह रहा। आ जा, आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे डर क्यों रही है? डरो ना, लो लो आपके, आपके हाथ से दे दूंगा मैं। लो देखो गगनू, गगनू लो, आजा आजा, ये देखो। इसको मैं फोड़ के खिलाऊंगा ताकि ये खा लेगा। ये लो, यहाँ पे जो है वो गाय भी आ चुकी है, तो गाय को भी मैं यहाँ पे खिलाऊंगा। तो यहाँ पे गाय ने भी है जो है, दोनों को आधा आधा हमने एक संतरा खिलाया है। और सीरत जो है वो डर रही थी, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है वो दृश्य नज़र आ रहा है। हमें अगर पशुओं के साथ में प्यार से रहते हैं तो वो भी हमें प्यार ही करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पशुओं को देख के। तो सीरत बाबू आपको यहाँ पे अब योगा करके दिखाएगा, इसको योगा आता है। तो सीरत योगा शुरू करो। तो यहाँ पर जो है वो सीरत योगा करके दिखा रही है, तो यहाँ पे योगा करेगी। तो बहुत सारे योगा इसको करने आते हैं। गंगा जी के घाट पे सीरत बाबू योगा करता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। कौन कौन सा योगा आता है बेटे? वेरी गुड। तो योगा करना अच्छा होता है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगता है। इधर वाले, इधर वाले पैर को लगाते हैं, इधर वाले एक एक दूसरे अलग अलग पैर को। हाँ, और करो, वेरी गुड। नील धारा गंगा जी के ऊपर जो है वो सीरत बाबू योगा करता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारे योगा दिखा देगा आपको जो भी टीवी में देख देख के इसने सीखे हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी पता है सीरत को। और देखिए कैसे जो है वो खड़ी होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से। और जो है वो, हाँ, हमारा योगा कर रहा है और योगा करना आता है इसको। और तो यहाँ पर देखिए योगा करती हुई सीरत, और कैसा लगता है बेटे? अच्छा। योगा करना अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है? इससे? हाँ अच्छा लगता है ऐसे ना, हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो टाइम जो होता है वो घूमने का, वो शाम का समय होता है। तो शाम के समय के अंदर यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे शूट होने वाला है, और शूट के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है शूट के लिए, तो शूटिंग यहाँ पर जो है वो लोग करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को ही लो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो अब इसका नाम जो है वो गुरुमुख ध्यान कुंज जो है वो रख दिया गया है। और देखिए यहाँ पे शाम के समय के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। सामने भी घाट बना हुआ है, पत्थरों अपने पैर रख के बड़े से लिखता हूँ। कौन पत्थर? गोलका गोलका चिकना चिकना। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण के साथ में जो है वो राधा श्री कृष्ण सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पर शूट की तैयारी हो रही है, और भैया यहाँ पे जो है अपने कैमरा और स्टैंड तैयार कर रहे हैं। और अच्छा पॉइंट है यहाँ पे घूमने का, शूट करने का बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे जो है वो गंगा जी का व्यू आता है। तो श्री कृष्ण जी ने बढ़िया अपना पैटीज वैटी खा के तैयार हो गए हैं बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है। और शूटिंग होगी यहाँ पे, सब लोग तैयार हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए। चैनल का नाम भी बताया।
चैनल का नाम क्या है भैया?